हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने इन्फोसिस का धमाका देख लिया। इन्फोसिस यह कंपनी अच्छी चल रही थी, विशाल सिक्का उसमें सीईओ कम एमडी थे और उनको राजीनामा देने के लिए बोला या उन्होंने खुद ने राजीनामा दिया, अंदर की खबर तो हमको है नहीं, मगर उन्होंने राजीनामा दिया। जैसे ही उन्होंने राजीनामा दिया तो इन्फोसिस के शेयर जो है वो धड़ नीचे आ गए और कम से कम 1000 करोड़ से नारायण मूर्ति, उनके जो पहले अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे इन्फोसिस के, उनकी और बाकी शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी एकदम नीचे आ गई, उनका मार्केट शेयर कम हो गया। तो ऐसा हुआ क्या? इसका एज ए साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। होता क्या है कि जब आइडेंटिटी का सवाल आता है, बड़े बड़े कंपनियों में भी आता है, वो ऐसा नहीं हम सोचते कि आइडेंटिटी मैं, हम, मेरा जो है वो कुछ छोटे घर में या अपने घर में होता है, ऐसे नहीं है। बड़े बड़े घरों में भी होता है, बड़े बड़े कंपनियों में भी होता है। तो वैसे कंपनी अच्छी चल रही थी, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा था और उतने में क्राइसिस आ गया, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब आइडेंटिटी आ गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आइडेंटिटी आ गई, नारायण मूर्ति की आ गई, विशाल सिक्का की आ गई, और ये जो आइडेंटिटी उनकी आ गई तो आइडेंटिटी से प्रॉब्लम हो गया। होता क्या है कि हम लोग सुनते नहीं हैं, वी डोंट लिसन। हम एक दूसरे के वर्ल्ड में जाके, एक दूसरे के दुनिया में जाके देखते नहीं कि वो क्या डील कर रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। विशाल सिक्का ने कुछ ना कुछ जो कदम लिए कंपनी बढ़ाने के लिए, तो उसने वो क्यों लिए भाई, उसका क्या कारण था, वो सुनने के लिए बाकी लोग तैयार नहीं है। बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो सुनने के लिए विशाल सिक्का खाली नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि सुनना लोग बंद कर डालते हैं। पीपल डोंट लिसन, पीपल डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। हर एक का अपना अपना ईगो आता है, हर एक को अपनी अपनी आइडेंटिटी है और उसमें नुकसान कंपनी का होता है। नुकसान हजारों शेयर होल्डर का हो गया, कंपनी का बाजार मूल्य कम हो गया सिर्फ ईगो प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि हर एक चाहता है कि कंपनी ऊपर जाए। जब कंपनी ऊपर जाए ऐसा लगता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नारायण मूर्ति भी चाहता है कि कंपनी ने ऊपर जाना चाहिए, विशाल सिक्का को लगता है कि कंपनी ने ऊपर जाना चाहिए। फिर ऐसा यदि है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि भाई एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे का इंटेंशन क्या है, एक दूसरे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और वहाँ से लोग ऑपरेट नहीं कर रहे। हमारी ज़िंदगी में देखो यही हो रहा है। ज़िंदगी में जहाँ जहाँ क्लैशेस है, जहाँ जहाँ एक दूसरे की पट्टी नहीं है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपस में, रिश्तों में, कंपनियों में, होता वही है कि एक दूसरे को समझने के लिए, मतलब समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। बोलते मेरी आवाज़ सुनो, मैं जो बोलता हूँ ऐसा करो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हम यही, मैं बोलना चाहता हूँ ये मामले में कि भाई अपने जीवन में ये देखो कि हम कहाँ कहाँ हमारी आइडेंटिटी सामने ला रहे हैं, हम कहाँ कहाँ हमारा उद्देश्य जो है वो बाजू में रख रहे हैं, हम कहाँ कहाँ हमारा ध्येय बाजू में रख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम एक दूसरे को सुनते नहीं है, सुन नहीं रहे, तो उसको सुन लेना, उसका क्या मतलब है, वो क्या बोल रहा है, उसके दुनिया में जाके सुनना, ये जब हम करेंगे तो नेचुरली क्लैशेस कम होंगे और सब मिलके एक उद्देश्य से काम करेंगे। वो घर में हो, अपने कंपनियों में हो, समाज में हो, जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ हो। तो अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग, ये जो है ये की वर्ड है इसमें। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपसी रिश्तों में प्रॉब्लम है, आपसी रिश्ते बराबर नहीं हो रहे, कुछ तो भी झंझट हो रही है, समझ लो कि वहाँ लोग एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। तो आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ क्लैशेस है, झंझट हो रही है, रिश्ते में कुछ तो भी तान तनाव आ रहा है, तो ज़रूर ये वीडियो उनको शेयर करो। ये सुनेंगे उनको समझेगा कि भाई हमने एक दूसरे को सुनना चाहिए और आपसी जो मतभेद है वो दूर करना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।